तो राम राम सभी भाइयों को। आई होप सारे छोटे बड़े भाई अच्छे होंगे। तो भाइयों, 22 तारीख को राम मंदिर बनने जा रहा है और राम जी के पूर्वज के बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। काफ़ी कम लोगों को पता होगा राम जी के कितने पूर्वज थे, राम जी से पहले कितने पूर्वज थे। हम लोग को तो पढ़ाया गया कि शाहजहाँ के पिताजी का नाम जहांगीर था, जहांगीर के पिताजी का नाम अकबर था, अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं था, हुमायूं के पिताजी का नाम बाबर था। ये 3-4 पीढ़ियाँ तो मुझे पढ़ा दी गई हैं हम लोगों को, लेकिन राम जी की पीढ़ियों के बारे में हम लोग को नहीं बताया गया है। तो चलिए राम जी की पीढ़ियों के बारे में मैं बताता हूँ। कुछ मुझे याद है, कुछ मैं थोड़ा देख के बता सकता हूँ क्योंकि मुझे पूरा याद नहीं है। ठीक है, तो चलिए राम जी के पूर्वजों के बारे में बताते हैं, क्योंकि राम जी का 22 तारीख को मंदिर बन रहा है तो राम जी के बारे में जानना तो ज़रूरी है सब लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजा राम जी के पिताजी का नाम था राजा दशरथ, दशरथ जी के पिताजी का नाम था राजा अज, अज जी के पिताजी का नाम था नाभांग, नाभांग जी के पिता का नाम था ये ययाति, ययाति का पिताजी का नाम था नहुस, नहुस के पिताजी का नाम था अम्बऋषि, अम्बऋषि के पिताजी का नाम था प्रसुश्रुक, प्रसुश्रुक के पिताजी का नाम था राजा मरु, मरु जी के पिताजी का नाम था शीग्र, शीग्रग्र, शीग्रग के पिताजी का नाम था अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पिताजी का नाम था सुदर्शन, और सुदर्शन के पिताजी का नाम था राजा शंखज, राजा शंखण, राजा शंखण जी के पिताजी का नाम था राजा प्रवृद्ध, राजा प्रवृद्ध के पिताजी का नाम था राजा अंशुमन, राजा अंशुमन जी के पिताजी का नाम था राजा दिलीप, राजा दिलीप के पिताजी का नाम था भागीरथी, जो कि गंगा जी को पृथ्वी पे लाए थे। भागीरथी, भागीरथी के पिताजी का नाम था कुकुस्थ, और नाम डिफिकल्ट से बोल नहीं पा रहा हूँ, कुसुक्त, और राजा कुसुक्त के पिताजी का नाम था राजा रघु, रघु वही राजा थे जिनके नाम पे था कि रघुकुल रीत सदा चर्याई, प्राण जाय पर वचन न जाय। ठीक है, तो राजा रघु के पिताजी का नाम था असमंज, असमंज जी के पिताजी का नाम था राजा सगर, राजा सगर के पिताजी का नाम था राजा असित, राजा असित के पिताजी का नाम था राजा असित के पिताजी का नाम था राजा भरत, राजा भरत के पिता का नाम था ध्रुसंधि, ध्रुसंधि जी के पिता का नाम था सुसंधि, सुसंधि जी के पिता का नाम था युसनास्त्र, युसनास्त्र के पिताजी का नाम था धुंधुमार, धुंधुमार के पिताजी का नाम था त्रिशंकु, त्रिशंकु के पिताजी का नाम था राजा पृथु, पृथु के राजा पृथु के पिताजी का नाम था अनरण्य, अरण्य के पिताजी का नाम था राजा बाण, राजा बाण के पिताजी का नाम था विवस्थान, विवस्वान, विवस्वान था, विवस्वान के पिताजी का नाम राजा मनु, राजा मनु के पिताजी का नाम था राजा इच्छबाकु, राजा इच्छबाकु के पिताजी का नाम था राजा कुच्छी, कुच्छी जी के पिताजी का नाम था राजा विकुच्छी, विकुच्छी जी के पिताजी का नाम था राजा कश्यप, राजा कश्यप के पिताजी का नाम था राजा मरीचि, राजा मरीचि जी के पिताजी का नाम था ब्रह्मा जी। तो हमारे राजा राम ब्रह्मा जी के 39वीं पीढ़ी है। ठीक है, ये रहा राजा राम के पूरा पीढ़ियों का नाम मैंने बता दिया। राजा राम जो है ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी है। ठीक है, तो ये था जानकारी। मैंने भी पूरा याद नहीं था, मैं भी इसको देख देख के याद किया हूँ, जो बच गया था उसको मैं बाद में किया हूँ। ठीक है, तो आपको आई होप पसंद आए सनातन धर्म के आपको बारे में जाने, राजा राम के बारे में जाने, क्योंकि हम लोग मुगलों का शासन, ये सब शासन मुशासन सारा कुछ पढ़े हैं लेकिन राजा राम के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को थोड़ा जानकारी दिया जाए अपने राजा राम के पूर्वजों के, और अपने राजा राम को अपने पूर्वज हैं तो उनके बारे में जानकारी दिया जाए। तो चलिए सब लोग एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा अगर कुछ जानकारी हमसे मिली हो आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मेरे सनातन धर्म के बारे में है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।